हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2023 का GNDU का जो कैलकुलस 2 का पेपर हुआ था उसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में तीन पार्ट्स होंगे, ए, बी और सी, और तीनों के तीनों पार्ट्स हम इस वीडियो में करेंगे। बुक के ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड का ए पार्ट है ये, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और प्रूव करना है ये एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल्स टू वन। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले 2023 में जो आया है, यू, जहाँ पे यू लिखा है वहाँ पे जेड लिखा है, तो जहाँ यू लिखा है वहाँ जेड जेड आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो यू दिया है वो इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी, जो लॉग का एक फॉर्मूला है आपको याद होगा, लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये फॉर्मूला इस पर लग गया है, यू इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। अब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालूंगी, ठीक है। पहले यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, और यहाँ पे इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी यू का, तो वन अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और अगेन एक्स की करती तो मतलब एक्स स्क्वायर की करूँगी डिफरेंशिएशन तो टू एक्स आ जाएगा। अगेन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की डिफरेंशिएशन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू की तो वन आ जाएगी, जो कि ऊपर लिखी है। सिमिलरली यू की वाई के विद रिस्पेक्ट टू करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव है तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है वो वेरिएबल माना जाएगा और दूसरा वाला कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसा कि यू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, ये बाहर एक्स लिखा, और सेकंड वाली को वाई से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको मल्टीप्लाई करके अंदर ब्रैकेट्स के एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये इन दोनों को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया। इसके बाद इनको सिंपल, ये बेस सेम है तो ये एलसीएम आ गया, और ऊपर वालों को ऐड कर लिया। इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम में आ गया, और ऊपर दोनों को एक्स प्लस वाई को ऐड कर लिया। ये कट के वन बन रहा है, ये कट के टू बन रहा है, क्योंकि यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा, अंदर वाली चीज़ सेम है तो वो कट जाएगी, टू माइनस वन दैट इज़ वन। यही मुझे यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड का बी पार्ट जो है वो टेलर का है, तो प्रूव दैट साइन एक्स वाई साइन वाई इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस, और ये सारी चीज़ के इक्वल प्रूव करना है, वेयर टी लाई करता है जीरो से वन के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमारा टेलर पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर का ही है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ए बी सी तीनों पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का भी ए बी और सी, ए और बी पार्ट। तो इस तरह से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पार्शियल से आए हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है टेलर मैक्लोरन वाली, उसमें से ये वाला क्वेश्चन आया है सेकंड एग्जांपल, प्रूव दैट साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स टू, इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व की गई हैं जो कि हमें टेलर की थ्योरम, जब मैक्लोरन वाला रिजल्ट लगाते हैं तो उसमें यूज़ होता है, पहले मैं उसको बता दूँ आपको। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, तो जो मैक्लोरन का फॉर्मूला है वो है एफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ज़ीरो ज़ीरो, इसीलिए मैंने पहले एफ ज़ीरो ज़ीरो कैलकुलेट किया है वहाँ पे। फिर अगेन इसको जब अंदर लेके आएंगे तो एक्स और कर्ल बाय कर्ल एक्स किसका, एफ का, तो कर्ल एफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो पुट करने पे, और कर्ल एफ मतलब वाई के विद रिस्पेक्ट टू एफ का डेरिवेटिव ज़ीरो ज़ीरो पुट करने पर। जब इसकी होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये इस तरह से बनता है कि इसकी डबल वन पावर में स्क्वायर आ जाती है, तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद टू ए बी जब करते हैं, होल स्क्वायर है तो टू ए बी भी तो लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो जब टू ए बी लगता है तो मतलब ए बी मतलब एक्स वाई दोनों इकट्ठे हैं ना, तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स वाई, तो पहले वाई के साथ करूँगी फिर एक्स के साथ करूँगी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाना होता है,
ठीक है, पहले इस ये सॉल्व करते हैं फिर ये सॉल्व होता है। तो इस तरह से तीसरा जो होल क्यूब का फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे, तो तीनों पहले एक्स की तीनों डिफरेंशिएशन, तीनों वाई की डिफरेंशिएशन, दो बार एक्स की एक बार वाई की, और दो बार वाई की एक बार एक्स की डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक्स वाई लिखा जो कि फंक्शन ही है, फिर एफ एक्स पैरों में, यहाँ एक्स लिखने का क्या मतलब है कि कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स करना, ठीक है, मतलब एफ की एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना, जो कि सिर्फ एक्स की करूँगी तो साइन एक्स की कॉस एक्स आ जाएगी, साइन वाई एज इट इज़ क्योंकि साइन वाई तो कॉन्स्टेंट है, साथ साथ में इनकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो पुट कर करके जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे भी ज़ीरो, वाई की जगह पे भी ज़ीरो पुट करते जाना है और साथ में वैल्यूज़ निकालते जाना है। एफ वाई का मतलब क्या है, एफ की पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, तो वाई का डेरिवेटिव होगा किसका, इसका, ये फंक्शन है ये सेम रहेगा, इसी की जो करना है इसी का ही डेरिवेटिव करना है, तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू क्या। उसके बाद जो एक्स, एक्स का मतलब क्या है कि कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, मतलब कर्ल एक्स कर्ल एक्स, पहले एफ की एक्स के साथ कर लेनी है एक बार डिफरेंशिएशन, फिर उस आंसर को दोबारा एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये जो एफ एक्स ऑलरेडी कर रखी है इसकी अगेन डिफरेंशिएशन एक्स के साथ, तो कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसी तरह से कर्ल एफ वाई, वाई का मतलब क्या है कि जो वाई के साथ ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुकी है उसकी फिर से वाई के साथ, ठीक है। फिर एफ एक्स वाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे जो कर्ल एफ, ये जो एफ एक्स वाई है ये कैसे सॉल्व करना होता है ये मैं बता दूँ कि एफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव पहले एफ का एक्स के साथ करना है, क्यों, क्योंकि एफ के साथ पहले एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, देन उसका अगेन वाई के साथ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे लिखा है जैसे कि ये है ना एफ एक्स एक्स वाई, ये वाला जो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लिखा है एफ एक्स एक्स वाई तो एफ के साथ पहले क्या है एक्स, तो मतलब पहले एक्स के साथ करूंगी एफ की, मतलब एफ की पहले एक्स के साथ की, जो आंसर मिला उसकी अगेन एक्स के साथ, और जो आंसर मिला फिर उसकी अगेन वाई के साथ, पहले एक्स के साथ फिर एक्स के साथ फिर वाई के साथ। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर इस तरह से लिखी है तो उसका मतलब क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी पार्शियल डेरिवेटिव्स सॉल्व कर लेनी है, सभी में डबल डबल वालों में सब में ज़ीरो ज़ीरो पुट करते जाना है, जबकि ट्रिपल वाला आते ही मुझे जहाँ पे एक्स और वाई होगा वहाँ पे टी एक्स टी वाई पुट करना है। ये मुझे कैसे पता चलता है, यहाँ से स्टेटमेंट से, ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें क्यूब वालों के साथ टी एक्स टी वाई लिखा है, तो इसीलिए टी एक्स एंड टी वाई पुट करूँगी क्यूब वालों में, ठीक है। और वैसे भी मैक्लॉरिन में जहाँ से थर्ड डिग्री आना शुरू हो जाता है वहाँ पे हम एन डिग्रीज आना शुरू हो जाता है, थर्ड डिग्री एन डिग्रीज आना शुरू हो जाता है वहाँ पे हम टी एक्स टी वाई पुट करते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्यूब वालों के साथ उन्होंने टी एक्स टी वाई का यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं थर्ड डिग्री वालों में, जो मेरी थर्ड डिग्री वाली हैं उनमें हम डिफ्रेंसीशन वाली, उसमें हम एक्स की जगह टी एक्स लिख देंगे और वाई की जगह टी वाई लिखेंगे, ज़ीरो ज़ीरो पुट करना बंद कर देंगे। फिर कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है मैक्लॉरिन का, ये मैक्लॉरिन का पूरा फॉर्मूला है थर्ड डिग्री तक, ठीक है। थर्ड थ्री डिग्री, थ्री टर्म्स तक है तो तीन डिग्री तक ही लिया है, तो तीन डिग्री तक लेने के बाद ये फॉर्मूला पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ तक था पूरी की पूरी लाइन। उसके बाद इसी का अगला स्टेप क्या है, ये, ठीक, पूरा यहाँ तक, फिर इसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर करके यहाँ से लाइन शुरू हुई है दोबारा, ये ज़ीरो और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू वो भी ज़ीरो, ज़ीरो वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है, एफ एक्स वाई की वैल्यू वन है, एक्स वाई वाई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो उधर निकालनी हैं यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है, जो फाइनल आंसर है वो मेरा अपने आप रेडी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो जकोबियन का है, तो
ये वाला क्वेश्चन जो है सी वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू यू वी, जेड इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, शो दैट पार्शल, ये जो है जैकोबियन निकाला है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, तो ये किसके इक्वल आएगा, रिलेशन जो है यू स्क्वायर वी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जैकोबियन का, तो सबसे तो पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सब राइट साइड पे कुछ नहीं रखना, सब कुछ एक साइड ले आना है, सारा कुछ एक साइड पे ले आऊँगी तो एक्स वाई जेड और यू वी इस तरह से इकट्ठी इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी साइड ज़ीरो रखना है, तो इनको एफ वन एफ टू एफ थ्री नाम दे देना है, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद मुझे पहले एफ वन का एक्स वाई और जेड के विद रिस्पेक्ट टू करना है एफ वन एफ टू एफ थ्री का, फिर एफ वन एफ टू एफ थ्री का यू वी डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन निकालना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है जैसे कि बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एफ वन एफ टू एफ थ्री का एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है जैकोबियन, तो एफ वन का एक्स के साथ, फिर एफ वन का वाई के साथ, एफ वन का जेड के साथ, फिर एफ टू का एक्स के साथ, एफ टू का वाई के साथ, एफ टू का जेड के साथ, एफ थ्री का एक्स के साथ, एफ थ्री का वाई के साथ, एफ थ्री का जेड के साथ, इस तरह से तीनों की तीनों रोज कंप्लीट कर लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव्स करके यहाँ पे फिल कर लेंगे। एफ वन का एक्स के साथ करूँगी तो वन आएगा, एफ वन का वाई के साथ करूँगी तब भी वन, एफ वन का जेड के साथ करूँगी तब भी वन, तो सारी वैल्यूज ईजिली पार्शियली निकाल के यहाँ पे पुट कर लेंगे। सिमिलरली एफ वन का यू के साथ, वी के साथ, डब्ल्यू के साथ, एफ टू का भी यू वी डब्ल्यू के साथ सेकेंड रो, और थर्ड रो एफ थ्री का यू वी डब्ल्यू के साथ करके तीनों रोज को कंप्लीट करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा, फर्स्ट एलिमेंट को बाहर रखना है, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन इसको बाहर रखना है, ये तो ऑलरेडी जीरो है तो करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो सिंपल इनकी डायगनल्स की ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, सॉरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि अपर वाले जीरो है, तो इनकी तो आंसर डायगनल ही आएगी, आप चाहें तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब क्या करना है, सिंपल इनको डिवाइड करना है मुझे, ठीक है, लास्ट क्या है, सिंपल डिवाइड करना। अगर मुझे एक्स, देखो यू वी डब्ल्यू का मुझे कर्ल एक्स वाई जेड किसके विद रिस्पेक्ट टू यू वी और डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो ऊपर मैं यू वी डब्ल्यू वालों को रखूँगी, नीचे एक्स वाई जेड को रखूँगी क्योंकि जब ये पलट के ऊपर जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स वाई जेड वाले ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे माइनस वन की पावर एन रखनी होती है, एन मतलब जितनी इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो तीन इक्वेशन हैं, तीन वेरिएबल, तो माइनस वन की पावर एन लगती है, ठीक है, तो माइनस वन की पावर थ्री मतलब माइनस का वन, और ये पहले से ही नेगेटिव में था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, और ये मेरा यू स्क्वायर वी के इक्वल आ गया रिलेशन।